बिसम ला रही स्टूडेंट्स बगैर कोई वक्त आए कि वे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन पार्ट वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिप्रेजेंट्स एक्स माइनस थ्री इं टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करते हैं एक्स माइनस थ्री इं टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये देखने में किस तरह का लग रहा है ए स्क्र माइनस बी वाली फॉर्म लग रही है तो इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह एक्स स्क्र माइनस थ्री स्क्येर इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद है किस किस्म की होती है एक्स स्क्यर प्लस बी एक्स प्लस सी उसमें तीनों नंबर्स होते हैं ए भी होता है बी भी होता है सी भी होता है जबकि हमारे केस में सिर्फ एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो है यानी बी वाली कंडीशन मौजूद नहीं है तो अगर बी ना हो तो उस किस्म की इक्वेशन को कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेर प्लस जीरो माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो तो हमारे केस में ये इक्वेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर टू इफ़ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ऑफ एन इक्वेशन इज़ द डिस्क्रिमिनेंट देन द इक्वेशन वुड बी ऑफ द फॉर्म अब आप ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जबकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है और इसमें जो स्क्वेयर रूट के अंदर जो चीज़ गिवन होती है उसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट और बी स्क्र माइनस फोर ए सी हमें इन्होंने बिल्कुल वही डिस्क्रिमिनेंट दे दिया जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है लिहाजा आंसर इज बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कमिंग गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने दो आंसर्स एक जैसे दिए थे जो कि फेडरल बोर्ड के इस पेपर के अंदर काफ़ी गलतियाँ हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फैक्ट्राइज विदाउट यूजिंग सिंथेटिक डिविजन मैथड बहुत आसान है आप देखें जो स्टैंडर्ड क्वाडेटिकुकेशन होती है उसमें पावर क्या होती है एक्स की जो ए के साथ होता है उसकी पावर होती है टू इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड क्वाडेटिक्लस बी एक्स होता है प्लस ई इक्वल टू जीरो जो इसके अलावा होंगी जो इससे इंक्रीज होंगी यानी एक्स रेस्ट पावर थ्री हो एक्स रेस्ट पावर फोर हो तो जिसकी भी डिग्री टू से ज़्यादा होगी तो उसको हम लोगों ने अगर करना हो तो सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हैं फैक्टराइज़ करने के लिए तो आप अपने चारों आंसर्स को देखें इनके अंदर आंसर नंबर सी इज़ द राइट चॉइस क्योंकि इसमें थ्री एक्स की पावर फोर है और आगे थ्री एक्स की पावर थ्री भी है कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर फोर इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ टू एक्स स्क् माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर इज़ इक्वल टू जीरो दैन वट इज़ वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेयेर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वेयर थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन ईजी है ये आप देखें टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हमने लिख दिया ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाडेटिक इक्वेशन की शेप में है इससे हम लोगों ने निकाल ली ए की वैल्यू है टू बी की वैल्यू है माइनस सिक्स सी की वैल्यू है माइनस फोर लेट अल्फ़ा बीटा बी दा रूट्स तो यूजिंग फार्मूलाज हम लोग निकालेंगे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए ये दोनों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो माइनस बी बाई ए के अंदर हम लोग बी और ए की वैल्यूज डालेंगे माइनस इंटू माइनस सिक्स सिक्स हो जाता है और डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई थ्री अल्फा बीटा दूसरा फार्मूला है इज ईक्वल टू सी डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू है माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू जो क्या ए है तो माइनस फोर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू फर्दर अब हमने निकालना है अल्फा स्क्वेयर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वेयर तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉमन ले लेंगे तो अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर को कॉमन ले लिया ब्रैकेट में रह गया बीटा प्लस अल्फ़ा अब अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर को भी हम लोग होल की शक्ल दे देते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वेयर और आगे ब्रैकेट में रीअरेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा अब आप देखें आपका अल्फा बीटा भी गिवन है लेफ्ट साइड पे और अल्फ़ा प्लस बीटा भी गिवन है माइनस टू का स्क्वेयर इंटू मल्टीप्लाई बाय थ्री तो माइनस टू का स्क्वेयर फोर होता है फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व सो ब्रावो इज द आंसर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कौन सी है नीचे वालों में से तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हम लोगों ने देखना होता है कि कौन सी प्रॉपर है या इम प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ज़रा रिवाइज हो जाए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमिरेटर की जो डिग्री है लेस देन होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से दरह दरह तस्वीर देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है नाइन डिवाइड बाई थर्टीन क्योंकि इसका आंसर हमेशा वन से कम आएगा जीरो पॉइंट समथिंग इसका आंसर वन डिवाइड बाई टू हमेशा वन से कम आएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव इसी तरह जब अलजबर के अंदर आते हैं तो ऊपर वाले का जो डिग्री है जिस तरह एक्स स्क्वायर वन नीचे वाले की पावर क्या है एक्स स्क्वायर टू तो ऊपर वाले की जो पावर है वो नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें न्यूमिनेटर जो है या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा यानी उसकी आंसर वन से छोटा नहीं आ सकता इसका आंसर वन आएगा इसका देखें तो थ्री आ रहा है इसका देखें तो सेवन डिवाइड बाई फोर वन पॉइंट समथिंग आ रहा है इसी तरह अल्जबरा के अंदर जो न्यूमिरेटर का जो एक्स है या जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री नीचे वाले की डिग्री की या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो वो इम प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी क्वेश्चन की तरफ आएँ तो इम प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो हमारे केस में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन था उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है उसको हम क्या करेंगे प्लस वन और माइनस वन ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर में फिर इसको स्प्लिट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा और राइट साइड पर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन से कट गया रिमेनिंग हमारे पास आ गया वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन तो अब देखें कि एक तरफ हमारे पास वन है इसमें देखते ही पता लग रहा है कि ये वाली ऑप्शन तो रूल आउट होगी अब आगे देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन का हमें देखें किस से मिलता जुलता फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब से मिलता जुलता लग रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेर माइनस एक्स प्लस वन अब ये देखें ये किसके डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें आ रहा है सो डी इज द आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही आसान है लेकिन इस जैसे और भी सवाल आ सकते हैं तो सिर्फ रट्टा नहीं लगाना इसलिए मैं आपको ज़रा फिगर के साथ साथ कुछ और फिगर्स दिखाता हूँ ये आप देखें जब पूरा रेक्टेंगल होता है इसको हम लोग कहा करते हैं कि यूनिवर्सल सेट है अब अगर सिर्फ ए हो सिर्फ ए मालूम करना हो तो वो जो ए का सर्कल हम लोगों ने येलो से हाईलाइट किया है इसको कहा जाएगा ए अगर सिर्फ बी का सर्कल लिया जाए तो ये कहा जाएगा बी और हम लोगों ने अगर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के अलावा बाकी सब कुछ तो इस रेक्टेंगल में आप लोग देखें ए के अलावा हमने बाकी सब कुछ हाईलाइट कर दिए इसको कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट अगर बी कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब है बी सर्कल के अलावा बाकी सब कुछ हाईलाइटेड है जब ए यूनियन बी लेंगे तो इसका मतलब है ए और बी को यूनाइट कर दिया जाए तो जो जो एरिया उन लोगों ने कवर किया हुआ है वो सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी ले लें तो जो ए और बी का एरिया आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है सिर्फ वो नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा रिवाइज़ हो रहा है ये देखें ए के अलावा बाकी सब कुछ अब ये हमारा इस तस्वीर से मिलता जुलता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को देखें तो बी सर्कल के अलावा इसका मतलब है बाकी सारा एरिया था और अगर ए के साथ उसको इंटरसेक्ट भी करना है यानी बी को अब छोड़ दें अब आप बी को छोड़ दें ये जो बाकी का सारा एरिया है वो उसमें देखा जाएगा और उसका जो ए के साथ इंटरसेक्शन वाला एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है वो यही वाला एरिया आ रहा है ये वाला एरिया बीच में शामिल नहीं होगा जो सवाल फेडरल बोर्ड ने दिया उसका आंसर उन्होंने लिखा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हालांकि ये नहीं बनता क्यों क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वाला एरिया भी आ जाता जबकि बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो वाला हिस्सा नहीं होता कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर सेवन इफ एक्स बार इज इक्वल टू सेवन समीशन एफ इज इक्वल टू थर्टी एंड समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी प्लस थ्री के देन वैल्यू ऑफ़ के इज़ यानी वैल्यू ऑफ़ के फाइंड आउट करनी है इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ बहुत ही सिंपल है इनमें वैल्यूज बस पुट करनी है एक्स बार में सेवन समीशन एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी वन ट्वेंटी प्लस थ्री के और नीचे समीन एफ़ की वैल्यू थर्टी पे इसको रीअरेंज करने थर्टी मल्टीप्लाई बाय सेवन कर देंगे राइट साइड पर वन ट्वेंटी प्लस थ्री के ही रहा तो थर्टी मल्टीप्लाई बाय सेवन टू हंड्रेड एंड टेन हो गया राइट साइड वन ट्वेंटी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस वन टेन वन ट्वेंटी इज टू थ्री के तो टू टेन माइनस वन ट्वेंटी नाइनटी इज ईक्वल टू थ्री के यहाँ से के वैल्यू निकल आएगी थर्टी तो so 30 इज़ आवर आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्ल टू टेंजेंट सीटा फॉर अूनिट सर्कल तो टेंजेंट सीटा आपको पता है किस किस के बराबर होता है वन बाय कॉट थीटा के बराबर होता है तो ये राइट right वाला ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने कहा है नॉट इक्वल टू टेंजेंट सीटा इसी तरह टेंजेंट सीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस सीटा के ज़्यादा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता बाकी दोनों ऑप्शन को गौर से देखें तो जब पहले चार्ली को देख लेते हैं सीकंड सीटा डिवाइड बाय कॉस्ट सीटा तो अगर इसको देखें तो सीकंड सीटा डिवाइड बाई कॉस्ट सीटा सीकंड सीटा का मतलब होता है वन बाय कॉस्ट सीटा तो पहले हमने लिख दिया वन बाय कॉस्ट सीटा और इस कॉट सीटा को हमने आगे फुल स्टॉप लगा के वन डिवाइड बाय कॉस्ट सीटा ये फुल स्टॉप कहाँ था मल्टीप्लाई तो वन डिवाइड बाई है मल्टीप्लाई बाई वन डिवाइड बाई कॉट सीटा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई सीटा इज द आंसर क्योंकि ये नॉट इक्वल टू टेंट सीटा है लेकिन चौथे को भी देख लेते हैं चौथा आंसर है कॉस्ट सीटा डिवाइडेड बाय साइंसटा ये भी टेंजेंट सीटा के इक्वल नहीं है क्योंकि टेंजेंट सीटा तो इक्वल होता है साइंस सीटा डिवाइड बाय कॉस्ट सीटा तो ये बोर्ड वालों ने दो आंसर दे दिए हैं मेरे ख्याल में ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक इन्होंने किया असल आंसर ये था तो चार्ली इज द आंसर इस सोल्यूशन सेट में काफ़ी सारी बोर्ड की तरफ से गलतियाँ हैं तो बच्चे इसमें होशियार हैं तो ये जो एक्स्ट्रा आंसर है इसको भी हम लोग जो है सर्कल करके कट कर लेते हैं नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ़ एन आर्क ऑफ टेन सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये आर्क है जिसकी लेंथ है एल सर्कल की आर्क और इसका रेडियस है सर्कल का आर और यह एंगल है इसका जो है सबटेंड हो रहा है अंदर की तरफ वो थीटा है तो अगर लेंथ मैयर करनी हो आर की तो उसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा इसी से हमने इसको सॉल्व करना है लेकिन रिमेंबर एंगल इज़ रिक्वायर्ड इन रेडियंस ये चेक पॉइंट है इस क्वेश्चन का सिक्सटी डिग्री गिवन है जिसने यहाँ से सवाल शुरू किया डिग्री को रेडियन ना चेंज किया तो सारा का सारा सवाल गलत हो जाएगा 360 डिग्री कितना होता है पूरा जो सर्कल होता है वो टू पाई रेडियन के बराबर होता है इससे हमने पहले 60 डिग्री के देखना है कितना रेडियन होगा तो पहले वन डिग्री का निकाल निकालने वन डिग्री हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी उधर ले गए नीचे चला गया अब दोनों साइडों को सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्सटी डिग्री का आ जाएगा सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू टू पाई मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी तो सिक्सटी वन जा सिक्सटी सिक्सटी सिक्स ज़्यादा थ्री सिक्सटी तो नीचे सिक्स आ गया ऊपर रह गया टू पाई तो टू थ्री जा सिक्स तो आंसर आ जाएगा पाई बाय थ्री तो सिक्सटी डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय थ्री रेडियन फर्दर इसको सॉल्व करने का क्या, क्या प्रोसीजर होगा आप देखें ये लेफ्ट वाले फॉर्मूले से एल इज़ इक्वल टू आर है हमें चाहिए क्या रेडियस मालूम करना है क्वेश्चन में क्या मैंने फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल तो आर इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई थीटा एल हमारे पास है टेन सेंटीमीटर थीटा हमारे पास क्या है अभी अभी हमने निकाला है यानी कि पाई बाय थ्री रेडियन अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री ऊपर चला जाएगा पाए नीचे आ जाएगा टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइड बाई पाए थ्री मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर दिस इज द आंसर सो ए को सर्कल कर लेंगे कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर टेन वट इज़ द वैल्यू ऑफ मैयरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इन द एड ज्वाइनिंग फिगर ऑफ अ हैगजागॉन जरा थोड़ा सा इन लार्ज व्यू देख लेते हैं इस तस्वीर का इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है मैयरमेंट ऑफ़ एंगल ए ओ बी इसकी वैल्यू क्या है अब तस्वीर देखें तो तस्वीर किस चीज़ की है हैगजागॉन की हैगजागॉन के अंदर छः इक्वल साइड्स होती हैं अब अगर सर्कल देखा जाए एक पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है पूरा सर्कल होता है थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ का अब ये थ्री सिक्सटी डिग्री कितने हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि हेक्सागोन सिक्स हिस्सों में स्प्लिट हो रहा होता है तो थ्री सिक्सटी डिग्रीज डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो ये जो एक एंगल बनेगा ये सिक्सटी डिग्री का है यहाँ पर भी बोर्ड वालों का आप तरीक़ाकार देखें तो इन्होंने क्या काम किया हुआ थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय सिक्सटी डिग्री पता नहीं इस दफ़ा किसने ये बोर्ड का पेपर जो है ना इसका सोल्यूशन सेट बनाया है काफ़ी गलतियाँ की हुई हैं लेकिन ये आप देख सकते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो प्रॉब्ली शायद टाइपिंग मिस्टेक हो तो यही वाला बेसिकली आंसर है कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर एलेवन वट इज़ द एलिवेशन ऑफ सन इफ अ पोल ऑफ सिक्स मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ टू स्क्र रूट थ्री मीटर परेशान नहीं होना इंग्लिश को समझने की ज़रूरत है इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ और ये तमाम सवाल इसी किस्म के आएंगे ये एक सन है सूरज की रोशनी पड़ रही है पोल के ऊपर तो पोल साया बना रहा है ज़मीन के साथ ये शेडो अब उसने हमें बता दिया है कि पोल की जो हाइट है वो है सिक्स मीटर और जो सूरज की वजह से शेडो बन रहा है वो टू स्क्र रूट थ्री मीटर का बन रहा है जितने भी इस किस्म के सवाल आएंगे वो सारे के सारे इस सेंटेंस से सॉल्व हो जाते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग साइंस सीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज प्रोटीन्यूस कर्ली ब्राउन हेयर से बनता है कॉस सीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और तीसरा क्या है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ पर आप देखें हमें क्या मांगा जा रहा है ये एंगल मांगा जा रहा है एंगल मांगा जा रहा है और हमारे पास क्या गिवन है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस अब वैल्यूज डाल देते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू सिक्स और बेस की वैल्यू टू स्क्वेयर रूट थ्री इसमें टू थ्री थ्रीजा सिक्स हो जाएगा ऊपर तो थ्री रह जाएगा ऊपर और नीचे स्क्येर रूट थ्री आ जाएगा अब अगर हम लोग देखें तो थ्री को हम यूं भी लिख सकते हैं कि स्क्वेयर रूट थ्री इंटू स्क्र रूट थ्री और नीचे पहले ही स्क्वेयर रूट थ्री था तो ऊपर वाला स्क्वेयर रूट थ्री ए अदद नीचे वाले स्क्वेयर रूट थ्री से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू तो स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री विच एम्प्लायज के थीटा इज इक्वल टू तो टेंजेंट इन ऑफ स्क्वेयर रूट थ्री जिससे वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर की मदद से सिक्सटी डिग्री अब आप ऑप्शन के अंदर देखें तो दिस इज आवर आंसर चार्ली कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ ये एक कॉड है ए बी से सिक्स सेंटीमीटर है एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी ओ सी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू तो ए बी है इसका मतलब ये जो एंगल है ये नाइन्टी डिग्री का है अब इस सूरत में लेंथ ऑफ ए सी पूछी गई है बहुत ही आसान है जब भी कभी कोई परपेंडिकुलर ड्रा होता है कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को दो आधे हिस्सों में तकसीम कर देता है लिहाजा ए सी की वैल्यू है थ्री सेंटीमीटर ए इज़ आवर आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ सिक्सटी फोर x एंड वन आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तो रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे सिक्सटी फोर रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो वन एक्स को दो दफा लिखा जाएगा अब x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 64 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी बीच वालों को आपस में और साइड वालों को आपस में और इस तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वेयेर इज इक्वल टू सिक्सटी अब इसको सॉल्व करना है तो इसको दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ सिक्सटी फर्दर सॉल्व करें x इज इक्वल टू प्लस माइनस एट ये हमारा आंसर है लेकिन आप देखें बोर्ड वालों ने जिस तरह बाकी सवालों में भी कुछ गड़बड़ें की हुई हैं जो आपके अंदर यहाँ पे भी ये आंसर ही नहीं है इसीलिए उन्होंने सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस एट लिख दिया है तो दिस इज अवर राइट आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन द ड्रॉन फिगर वट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी ये वाला एंगल जो है पूछा जा रहा है कि इसकी क्या वैल्यू है पहले आपको एक थ्योरम तरह रिवाइज़ करा दूँ द एंगल एट द सर्कम फ्रेंस ये जो सरकम फ्रेंस पर एंगल होता है इस हाफ़ द एंगल एट द सेंटर के इसका हाफ़ होता है यानी वन ट्वेंटी है तो ये सिक्सटी होगा ये एटी होगा तो ये फोर्टी होगा ये थर्टी होगा तो ये फिफ्टीन होगा हमारे केस में यहाँ पे क्या है फिफ्टी है तो ये एंगल कितना होगा ट्वेंटी फाइव होगा अब आपको पता है लाइन के ऊपर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए वन एटी डिग्री तो अगर ये 25 है तो ये कितना बन जाएगा 180 एटी माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन डिग्री सो बी इज आवर आंसर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 15 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है कि इफ फंक्शन बी टू ए देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ये बड़ा ही अजीब गरीब सा सवाल है नॉर्मली इस लेवल पे आना नहीं चाहिए मैं तो प्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर चुका हूँ लेकिन इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी इंजीनियरिंग में बहरहाल देखते हैं ऑन टू फंक्शन बाईजेटिट फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन इन टू फंक्शन इसके लिए थोड़ा सा रटा लगाने वाली डेफिनेशन है आपको याद होनी चाहिए जहन में ज़रा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ये आप देख लें कि जिस जगह से फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं और जहाँ पे एरो एंड हो रहा होता है उस जगह को रेंज कहते होते हैं तो डोमेन के अंडर एलिमेंट्स होते हैं इसी तरह रेंज में भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन जो रेंज के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो इमेज होते हैं उन एलिमेंट्स का जो डोमेन के अंदर होते हैं अब वन वन फंक्शन एक होता है जो कि हमारे ऊपर लिस्ट में तो नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए कहीं ना कहीं आ सकता है किसी सवाल में वन वन फंक्शन वो होता है जहाँ पे ऑल डिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंग इमेज इन बी यानी हर एलिमेंट का एक एक इमेज यहाँ पे मौजूद है हर हर एलिमेंट के लिए एक एक इमेज मौजूद है इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा डिफरेंट है ऑन टू फंक्शन जिसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन इमेज वन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए तो ये ऊपर से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा कि किसी भी एक एलिमेंट का इमेज बस कम से कम एटलीस्ट एक का इमेज जरूर होना चाहिए तीसरा है इंटू फंक्शन मैंने इसको इससे याद किया हुआ है कि इंटू फंक्शन इन बिटवीन एक अदद खाली रह जाता है एक अदद खाली रह जाता है इन टू फंक्शन के बाकी सारों का तो कहीं किसी ना किसी, किसी एलिमेंट का इमेज है लेकिन एक अदद खाली रह गया है वो किसी का इमेज नहीं है तो इसको कहते हैं इन टू फंक्शन से इन बिटवीन मैंने रखा हुआ है कि एक रह जाता है कि यानी कि बी जो है फुली यूज नहीं है नेक्स्ट बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है दो का मजमु होता है यानी कि वन वन फंक्शन का प्लस ऑन टू फंक्शन का इसी तरह एक और होता है इंजेक्टिव फंक्शन जो इनसे याद कर लें कि वन वन प्लस इनटू फंक्शन का वन वन फंक्शन प्लस इन टू फंक्शन का तो हमारे आप क्वेश्चन देखें तो इसमें जो हमारी ये ऑप्शन है इसमें एक ही खाली रह गया यानी कि ये इन टू फंक्शन है प्लस चूंकि हर एक के लिए एक एक असाइंड भी है लिहाजा ये इंटू फंक्शन भी है और वन वन भी है लिहाजा इंजेक्टिव इज़ अ बेटर आंसर तो हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन को इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये सोलूशन सेट में बाइजेक्टिव फंक्शन दे दिया था फेडल बोर्ड ने जो गलत किया हुआ था द रियल आंसर इज इंजेक्टिव फंक्शन अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अपलोड करेंगे